एटीसी ने क्लियरेंस नहीं दिया, हम लोग बहुत देर तक वेट करते रहे, राहुल जी भी 2 घंटे एयरपोर्ट के ऊपर बैठे रहे, तो अभी यहाँ का मतलब चल रहा तो धंधा है, इसलिए जो ये आज अचानक से वो नहीं आए, इसका जो इसकी भरपाई कैसे करेंगे, कल करेंगे आप तो कल नहीं, कल कल प्रियंका जी आएंगी सुबह 10 बजे जी, तो अभी क्या परमिशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, परमिशन है आपके पास, कैसे करेंगे जी जी। इमरान जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मुस्लिम जमा दिलों की धड़कन है, सब जो युवा वर्ग है वो आपको युवा वर्ग कहिए मुस्लिम मत जब जोड़िए इसमें जो युवा वर्ग है वो आपको पूरा पसंद करता है, बेहद अधिक पसंद करता है, आज भी पूरा क्रेज यहाँ देखा गया, इस चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके मुद्दों के साथ हमारा मुद्दा तो पहले दिन से और अब तक वही है, हम नौजवान के रोजगार की बात करते हैं, हम किसान के फसल के दाम की बात करते हैं, हम GST के सरलीकरण की बात करते हैं, हम बात करते हैं देश के गरीब की मजदूर की, जिसके घर के अंदर अनाज नहीं उसके घर के अनाज का अनाज पहुँचे, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए, हम बात करते हैं बुनियादी मुद्दों पर, हम बेकार की बात के ऊपर बात विश्वास नहीं करते। कल मायावती जी आई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बी पार्टी, मायावती जी को क्या, मायावती खुद भी पार्टी है, वो क्या बोलेंगे उनको भी पार्टी, हम पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं, मायावती जी की छोटी सी पार्टी है, स्टेट के अंदर लड़ रही है, वो हमसे क्या बताएंगे। जो भाजपा के सांसद हैं सहारनपुर से राघव लखन पाल शर्मा, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने काम गिना रहे कि रेलवे दोहरीकरण उन्होंने कराया, तमाम विश्वविद्यालय वो लेकर आए सहारनपुर में, अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या जैसी मोदी जी की उपलब्धियाँ वैसी उनकी हैं, धरातल पर कुछ होता नहीं, हवा हवा की बातें हैं, धरातल पे तो कहीं नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री मिल रही है बता दो मुझे, काम नहीं है, ये जब बन जाएगी तब बात कर लेना, सब हवा हवा ही बातें हैं। राघव लखनपाल 5 साल तो रहे हैं इसके अंदर। अमरनाथ जी ये बताइए आपको सहारनपुर की बड़ी समस्या क्या लगा? देखिए सहारनपुर की सबसे बड़ी समस्या है जो काष्ठ का उद्योग है उसको संरक्षण मिलना चाहिए, तो सहारनपुर के अंदर गन्ना किसान है, शुगर मिल बंद हो गई, जो शुगर मिल बंद हो गई है शुगर मिल का चालू होना चाहिए। आप अगर सांसद बनते हैं आप जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता सहारनपुर है और सहारनपुर की तस्वीर बदलना है जी। इस चुनाव में भीम आर्मी का क्या रुख रहेगा आपकी? भीम आर्मी मेरे साथ चल रहे हैं, जो भीम आर्मी के साथ लगे हुए लोग हैं सब मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी जो चंद्रशेखर आ जाएगा देख, सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं जिनकी मैंने मदद की वो सब मेरी मदद कर रहेगा जी। तो कल का जो चुनाव रूट है उसकी घोषणा कब तक कर देंगे? प्रदेश